हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल है। आई होप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और इम्पोर्टेंटली, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, सेफ होंगे। गाइस, मैं आपका दोस्त सीए सूरज सतीजा आज आपके सामने क्या लेके आया हूँ। गाइस, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि हम जो सीए में सब्जेक्ट है हमारा, दैट इज सीएस एग्जीक्यूटिव का, आपका जो ग्रुप टू का सब्जेक्ट है, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है ना, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट, उसको हम किस तरीके से प्रिपेयर करें, किस तरीके से हम उसको एग्जाम्स के लिए और किस तरीके से उसको हम प्रिपेयर करें सब्जेक्ट को, ताकि वो सब्जेक्ट हम लोगों को बहुत अच्छे से जम जाए और साथ ही साथ हम लोग उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी समझ पाए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस सब्जेक्ट के अंदर हम 80 प्लस भी क्या कर पाए, स्कोर कर पाए। सर 80 प्लस बिल्कुल कर सकते हो, एमसीक्यू सब्जेक्ट है भाई, यही तो सब्जेक्ट आपके लिए बोनस पॉइंट्स है, बोनस सब्जेक्ट्स है, जहां पे आप 80, 90 मतलब 100 आउट ऑफ 100 भी चाहो तो स्कोर कर सकते हो। किसी में हिम्मत नहीं आपके यहाँ पे क्या करने की, मार्क्स काटने की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पे 80 प्लस मार्क्स क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा सर, आपको कैसे पता है ना, आपने कभी लाया है कि 80 प्लस? बेशक भाई साहब, मैं अगर आपको बता दूं तो ये जो सब्जेक्ट है आपका सीएमए है ना, ये प्लस एफएम हम लोगों को एक मिक्स सब्जेक्ट हुआ करता था जब मैं सीए इंटर में था। तो भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि मैंने वहां पे 83 मार्क्स इस सब्जेक्ट में क्या किए थे, स्कोर किए थे। मतलब ये प्लस एफएम दोनों मिला के हम लोगों का सब्जेक्ट हुआ करता था 100 मार्क्स का। तो वहां पे मैंने आउट ऑफ 100 80 प्लस मार्क्स क्या किए हैं, स्कोर किए, दैट इज 83 मार्क्स मैंने खुद ने क्या किए, स्कोर किए। सर झलका रहे हो आप, तो मार्क्स झलका नहीं रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं कि जब मैं, मेरे जैसा एवरेज बच्चा, मेरे जैसा एवरेज स्टूडेंट ये कर सकता है, तो आप तो काफी टैलेंटेड हो, आप लोग तो बिल्कुल क्या कर पाओगे, ये स्कोर कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे ना आपको प्रॉब्लम भी बताऊंगा कि बच्चे क्यों नहीं ये सब्जेक्ट में स्कोर कर पाते हैं, क्या दिक्कतें जाती है बच्चों की, और उसको किस तरीके से ओवरकम करना चाहिए, और किस तरीके से वो सब्जेक्ट को हमको और क्या करना चाहिए, अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। तो आओ बच्चों देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप देखोगे अगर, तो स्मार्ट स्टडी नॉट हमाली। अब बच्चे को ना, इस कोई भी सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, तो बच्चे है ना, वो सब्जेक्ट को पता नहीं ऐसा कि सिर्फ एक मेरा इतना सिलेबस है, इतना मेरे को पढ़ना है, इतने इतने टाइम मेरे को देना है, इतने घंटे मेरे को पढ़ना है, सिर्फ ये बातें सोचता है। कभी बच्चा जब सब्जेक्ट उठाता है, कोई टॉपिक प्रिपेयर करने जाता है, कोई सब्जेक्ट प्रिपेयर करता है ना, तो ये नहीं सोचता उसके अंदर कि यार ये सब्जेक्ट है, ये मेरे को प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके से काम आ सकता है, इसके अंदर से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या काम की चीजें है, और किस तरीके से मेरे को इसको पढ़ना चाहिए, ये सारी बातें नहीं आप नहीं सोचते हो। आप सिर्फ ये सोचते हो कि बस मेरे को आज 4 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे में इतने सारे मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा। ऐसी पढ़ाई नहीं होती है। आप कभी भी कोई भी सब्जेक्ट अगर प्रिपेयर करना चाहो, तो उसमें आपको ऑलवेज स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। यानी अगर आपके मार्क्स इन सब्जेक्ट्स में कम आ रहे हैं, तो आप में और जो वो सब्जेक्ट का टॉपर है उसके अंदर अगर कोई डिफरेंस है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये पर्टिकुलर पॉइंट का डिफरेंस होता है, दैट इज स्मार्ट स्टडी। सर ये स्मार्ट स्टडी कैसे करें, और ये हमारी वाला पॉइंट आप क्या बोलना चाह रहे हो, तो भाई समझो मेरी बात को। सबसे पहले आपको कोई भी सब्जेक्ट में ये जानना जरूरी हो जाता है कि वो जो सब्जेक्ट है वो हम लोगों को क्यों दिया गया। एज इन हम सीएस स्टूडेंट है ना, ये सब्जेक्ट हम लोगों को इंस्टीट्यूट ने क्यों दिया है, क्या रीजन है ये सब्जेक्ट देने का, क्या आगे चल के सीएस बनने के बाद ये सब्जेक्ट हमको काम आने वाला है, और अगर आने वाला है तो किस एंगल में काम आने वाला है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, ये सब्जेक्ट के अंदर हमको किस टाइप का नॉलेज गेन करना है, क्या पढ़ना है, पहले तो हम ये चीजें क्या कर ले, समझ ले, उसके बाद हम क्या करें, प्रिपरेशन स्टार्ट करें। रेदर ये ना सोचे कि भाई फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर है, पर चैप्टर वाइज मैं क्या करते चलूं, सर पढ़ते चलूं, बस हो गया, चैप्टर वाइज पढ़ लिया मैंने सिलेबस खत्म कर दिया। सिलेबस खत्म नहीं करना है, सिलेबस खत्म करने के लिए नहीं पढ़ रहे हम नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। तो आई यू गेटिंग माय पॉइंट, बोलना क्या चाह रहा हूं मैं, नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसको किस तरीके से पढ़ना वो आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि अगर आप की मैं मॉड्यूल में जाऊं, तो ये जो सब्जेक्ट है मैं मॉड्यूल को एक बाजू में रखूंगा, है ना, ये वो नोट्स रखे कोई मतलब नहीं है, मेरे नोट्स भी इवन नहीं रखूंगा, मॉड्यूल को रखूंगा, यही सेम मैंने अपने नोट्स में उतार रखा है, यानी जो हम वीडियो लेक्चर्स बनाते हैं आप लोगों के लिए है ना, उसके अंदर जो उसके नोट्स है मेरे, उसके अंदर ये सेम मॉड्यूल की चीजें है, बस ये है कि मॉड्यूल एकदम नॉर्मल फॉर्म में रहती है, मेरी बुक्स जो होती है उसको प्रॉपर मैंने फॉन्ट वगैरह दिया, प्रॉपर फॉर्म में दिया हुआ है, ताकि चार्ट दिए हुए जगह जगह पे, ताकि आपको पढ़ने में क्या हो, आसानी हो। खैर, तो अब ये जो सब्जेक्ट अगर आप देखोगे ना, तो ये सब्जेक्ट एक्चुअली एक सब्जेक्ट नहीं है, इसके अंदर दो सब्जेक्ट है, रेदर मैं बोलूं तो इसके अंदर दो भी नहीं, इसके अंदर तीन सब्जेक्ट का इंक्लूडिंग है, मतलब ये तीन सब्जेक्ट है इसके अंदर। सर तीन सब्जेक्ट कैसे बता रहे हो सर आप,
ध्यान से सुनना, ये जो कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका सब्जेक्ट है, इसके अंदर आपका अकाउंट्स भी कवर होता है, आपका कॉस्टिंग सब्जेक्ट भी कवर होता है, प्लस आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट भी क्या होता है, कवर होता है। सर हमको नहीं समझा आप क्या बोलना चाह रहे हो, ध्यान से सुनना, जो आपका ये जो सब्जेक्ट है ये 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, 100 में से अगर मैं बात करूं तो 60 मार्क्स आपका चले जाता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पे और आपका 40 मार्क्स चले जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे। तो सर कॉस्टिंग कहां गया, ध्यान से सुनना भाई साहब, ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आपको 40 मार्क्स का पार्ट दिया हुआ है ये एक्चुअली कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। ये एक्चुअली क्या है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। इसके अंदर उन लोगों ने आपको जो कॉस्टिंग होती है ना, कॉस्टिंग सब्जेक्ट जो होता है जिसके अंदर हम कॉस्ट निकालना सीखते हैं, कॉस्ट असर्टेन करना सीखते हैं, वो आपको दिया हुआ है। साथ ही साथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज इन डिसीजन मेकिंग टूल्स की अकाउंटिंग, डिसीजन मेकिंग किस तरीके से हो सकता है वो भी बातें आपको क्या करी है यहाँ पे दी है। मतलब जो मैनेजमेंट होता है वो किस बेसिस पे डिसीजन लेता है कि सपोज करो कोई मेरे को मशीन खरीदनी है तो खरीदनी है तो उससे मेरे को क्या फायदा होगा नुकसान होगा, हम एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो समझाऊंगा एक एक चैप्टर करके बताता हूं आपको पॉइंट्स पे, वो ओवर द पीरियड मैं आपको बताऊंगा। पर मुद्दे की बात, यहां पे आपको जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोला है ये एक्चुअली कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। ये ओल्ड सिलेबस वालों को भी सब्जेक्ट था, एज इट इज कॉपी पेस्ट यहां पे कर दिया सब्जेक्ट। हां वहां पे थोड़े से ज्यादा टॉपिक्स थे, यहां पे वो टॉपिक्स क्या कर दिए उसमें से कम कर दिए। इन्हें बोलने का मतलब है वहां पे वो 100 मार्क्स का टॉपिक था तो 100 मार्क्स में से यहां पे भी उन्होंने कितने मार्क का कर दिया, 40। तो बट ऑब्वियस ही बात है कि उसमें से उन लोगों ने कुछ चैप्टर्स भी क्या कर दिए, खत्म कर दिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और दूसरा ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये प्योरली आपका अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, अकाउंट्स है जिसको आप बेसिकली अकाउंट्स बोल सकते हो। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इसलिए बोला हुआ है कि आप लोग 11वीं 12वीं अगर कॉमर्स पढ़े होंगे है ना, फाउंडेशन दिए होंगे, अगर CSEET दिए होंगे तो पढ़े नहीं होंगे आपने, 11वीं 12वीं में पढ़े होंगे या अगर ग्रेजुएशन में अगर कोई बच्चा करके आ रहा है तो आप लोगों ने वहां पे इंडिविजुअल फर्म्स इसकी अकाउंटिंग करना सीखे होंगे। यहाँ पे क्योंकि आप कंपनी सेक्रेटरी बनने जा रहे हो तो आपका इंस्टीट्यूट चाहता है कि इसकी उसकी अकाउंटिंग हमको नहीं सिखाना है, हमारे बच्चे को तो हमको सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट बेस्ड अकाउंटिंग सिखानी है, जो अकाउंटिंग उनके कंपनी में क्या होंगी काम आएंगी, जो उनके कंपनीज का नॉलेज क्या करेंगी अकाउंटिंग सॉरी कंपनीज की अकाउंटिंग का नॉलेज क्या करेंगी इंक्रीज करेंगी। यानी आपको यहाँ पे इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म इन लोगों की बातचीत इनकी अकाउंटिंग सीखने का कोई मतलब नहीं है, वो आपको सीख के कोई फायदा भी नहीं है। समझ मेरी बात, आप जब प्रैक्टिस करोगे या अगर आप जॉब करोगे आगे चल के तो आप लोग कंपनीज के अंदर ही काम करोगे या कंपनीज का ही काम करोगे, तो बट ऑब्वियस ही बात है कि कंपनीज का अगर काम कर रहे हो, कंपनी के अंदर काम कर रहे हो तो उनकी अकाउंटिंग आना जरूरी है, तो उनकी अकाउंटिंग के तरीके थोड़े से अलग होते हैं। अकाउंट्स तो वही होता है बेसिकली जो बेसिक अकाउंट्स आपने पढ़ रखा है, बट कंपनी अकाउंट्स में अकाउंटिंग करने का तरीका क्या होता है अलग होता है। तो सर हमको CS बनने के बाद ये कैसे काम आएगा, बिल्कुल आप जब CS बनोगे तो आप पूरी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए ना कंपनी के अकाउंट्स किस तरीके से मैनेज होते हैं, नहीं तो मालूम पड़ा कंपनी के अंदर का चार्टर्ड अकाउंटेंट या अकाउंटेंट आके आपको कुछ बता के जा रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो बेसिकली ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको वो कुछ बताएंगे और आपको समझ में ना आए, इसीलिए आपके लिए ये सब्जेक्ट दिया हुआ है उन लोगों ने। और कितने नंबर का दिया अकाउंट सब्जेक्ट आपको, 60 नंबर का। और साथ ही साथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी दी रखी है जिसमें आपको बहुत हद तक डिसीजन मेकिंग करना क्या आ जाए, सीख जाओ। और कॉस्ट भी उसके अंदर उन लोगों ने क्या करा है, डाला हुआ है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना कि हम स्मार्ट स्टडी कैसे करें। बच्चा क्या करता है ना, ये सब्जेक्ट प्रिपेयर करते समय बच्चा सबसे पहले उठाता है जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब ये जो टॉपिक है आप लोगों का, यानी कॉर्पोरेट पार्ट वन वो पहले उठाता है, और पार्ट वन उठाने के बाद वो क्या करता है, ये जो टॉपिक है आप लोगों का पार्ट वन का, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो टॉपिक है आपका क्या पार्ट वन का, ये टॉपिक के अंदर वो सबसे पहला चैप्टर उठाता है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो उसने बहुत हद तक 11वीं 12वीं अगर वो कॉमर्स है या आपका फाउंडेशन या आपका ग्रेजुएशन लेवल है ना, वहां पे ऑलरेडी उसने क्या कर चुका है, पढ़ चुका है, और वही टॉपिक वो उठाता है और उसके अंदर अपनी मैक्सिमम एनर्जी मैक्सिमम टाइम क्या कर देता है, दे देता है। जबकि उसका वेटेज अगर मैं देखूं तो 2 या 3 मार्क के ऊपर नहीं है पेपर में, बट वो पूरा एनर्जी इसमें दे देता है क्योंकि उसके लिए बेसिक्स है, देना भी चाहिए, गलत नहीं है। लेकिन यार मैं बोलता हूं थोड़ा सा ठंड रखो और थोड़ा सा पहले सब्जेक्ट समझो। मैं बोलता हूं कि पहले पार्ट, मेरी ओपिनियन है और ये ओपिनियन 100% आपके काम आएगी, पहले पार्ट वन मत करो, मत करो पहले पार्ट वन, पहले सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करना जरूरी है, फिर मजा आएगा पढ़ने में। तो रेदर मैं बोलूंगा पहले पार्ट वन करने से अच्छा बच्चा आप पहले यहां पे क्या करो, पार्ट टू से स्टार्ट करो।
अब सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि पार्ट टू की जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स काफी कम है और उसका वेटेज जो है 40 मार्क वो काफी ज्यादा है, समझ में आ रही बात? और सेकेंड थिंग, वो टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, समझने में बहुत आसान है और मजा बहुत आती है वो टॉपिक समझने में, समझ में आ रही बात? और आपका कॉन्फिडेंस क्या होता है, ज्यादा बूस्ट होता है। बेसिकली यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा बूस्ट होता है। तो पॉइंट नंबर वन कि ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, जिसको मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन यहाँ पे नाम दिया हुआ है, मैं इसको बोल देता हूँ कॉस्ट, मैं बोलता हूँ इसको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन, क्योंकि आपको यहाँ पे कॉस्टिंग के बारे में भी पढ़ना है, कॉस्टिंग की बातें भी दी हुई है। भले ही आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ओवरव्यू है, लेकिन वो ओवरव्यू पढ़ने से समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसकी एमसीक्यूज आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा एकदम डिटेल, ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे, पर थोड़ा डिटेल में जाना जरूरी है मटेरियल कॉस्टिंग करने के लिए, लेबर कॉस्ट, ये सारे टॉपिक्स पढ़ने के लिए। तो यहां से स्टार्ट करो, ये टॉपिक पहले खत्म करो, फिर उसके बाद मैं बोलूंगा आप लोग रेशियोज पढ़ो, फिर मैं बोलूंगा आप लोग ये डिसीजन मेकिंग जो है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग ये पढ़ो, बजट उसके बाद पढ़ो, वापस से पहले क्या पढ़ो ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट के बारे में, उसके बाद आप रेशियोज एनालिसिस पढ़ो, उसके बाद आप डिसीजन मेकिंग टूल्स पढ़ो, उसके बाद आप ये जो वैल्यूएशन के टॉपिक्स है जो कि 10 मार्क्स तक कवर करते हैं, यानी 10 टू 12 मार्क्स में दे दूंगा ये वैल्यूएशन को, यानी आउट ऑफ 40 मार्क्स 10 टू 12 मार्क्स ये जो वैल्यूएशन के टॉपिक्स नीचे दिख रहे हैं, जो कि काफी इजी है, जहां पे गुडविल वैल्यूएशन, शेयर वैल्यूएशन है ना, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, तो वो आप लोग करो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 40 में से ये जो 10 से 12 मार्क्स तो आपके ये छोटे छोटे, और यहाँ पे इसको भले ही अलग अलग टॉपिक्स दिए हुए, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो ये काफी इजी टॉपिक है और एक टॉपिक बना के भी आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ में आ रही बात? तो खैर वो उन्होंने अलग अलग दिए हुए, शेयर का अलग दिया हुआ है आपका, बाकी अलग टॉपिक्स दिए हुए, तो बोलने का मतलब है कि इवैल्यूएशन के टॉपिक्स एक साथ करो तो आपके 10 से 12 मार्क्स यहाँ पे कवर हो जाते। तो पहले आपने जैसे ही ये खत्म कर लिए, क्योंकि बहुत छोटा सा कोर्स है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ गया कि मेरा 40 मार्क्स का तो अच्छे से 100% क्या हो गया है, प्रिपेयर हो गया है सब। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को यहाँ पे आके ये देखना है कि ये जो टॉपिक्स है ये टॉपिक्स मेरे को किस तरीके से पढ़ने। तो अब मैंने कॉन्फिडेंस बूस्ट कर लिया, अब मैं चालू करूंगा ना बेसिक से, अब मेरा टाइम भी ज्यादा वेस्ट नहीं हो रहा है ना। तो मैंने पहले यहाँ पे क्या कर लिया, ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिया। तो स्मार्ट स्टडी के पॉइंट नंबर वन में आपको क्या करना है कि आपको पार्ट टू से स्टार्ट करना है, रेदर पार्ट वन से, बहुत ज्यादा फायदा होगा, माइंड इट, मैं 100% गारंटी से बोल रहा हूँ, यस आपको बहुत ज्यादा क्या होगा, फायदा। अगर आप पार्ट वन से स्टार्ट करोगे ना, तो बच्चे बताते क्या करता, हमेशा पार्ट वन को अच्छे से पढ़ लेता, पार्ट टू को इग्नोर कर लेता, क्योंकि तब तक वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका होता है, समझ में आ रही बात? और बाद में एकदम टाइम पे अगर आप पार्ट टू पढ़ने जाओगे तो एकदम दिमाग में आपके वो नहीं बैठेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए पहले पार्ट टू करो, बाद में क्या करो पार्ट वन, पॉइंट नंबर वन। दूसरा, सब चैप्टर की आपको एबीसी एनालिसिस करने की काफी जरूरत है। सर एबीसी एनालिसिस मतलब, सब हर चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, नहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लोगों को पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ही पढ़ना है, आपको तो प्रैक्टिकल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है, बट स्टिल थोड़ा तो मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू को भी बीच में लाऊंगा ना, एग्जाम तो देनी है ना मेरे को। तो मैं अगर बोलूं तो हर टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट नहीं होता है, और आप लोग क्या करते हो ना, कई बार जो टॉपिक एकदम इररिलेवेंट टॉपिक है, हार्डली उसमें से 2-3 नंबर का आएगा, आप उसके पीछे हाथ धो के पढ़ जाते हो, या अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा तो आप अपना पूरा माइंड, अपना पूरा टाइम सब उस टॉपिक को दे देते हो। तो उससे क्या दिक्कत आती है पता है, उससे दिक्कत ये आती है आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो पर्टिकुलर टॉपिक को लेके और बाकी टॉपिक को इग्नोर कर देते हो। या दूसरा, अगर वो टॉपिक आपसे अच्छे से प्रिपेयर हो गया तो भी ठीक, आप बाकी टाइम पूरा आपने उसको दे दिया, बाकी टॉपिक को टाइम ही नहीं दिए। या आपसे, आपको सब्जेक्ट से नफरत करना चालू कर देते हो और फिर वही घिसी पिटी लाइफ, हमको प्रैक्टिकल नहीं जमते, प्रैक्टिकल बहुत हार्ड है, जबकि मैं गारंटी देता हूं यार प्रैक्टिकल तुमको जमते हैं। मैं लाइव इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, लाइव और ये वीडियो बैचेस में इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैं देखता हूँ ना बच्चा अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़े ना तो उसको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में थ्योरी से ज्यादा क्या आता है, इंटरेस्ट आता है, समझ में आ रही बात? उसको प्रैक्टिकल में थ्योरी से ज्यादा क्या आता है, इंटरेस्ट आता है, समझ में आ रही मेरी बात है? तो ये बात होगी। तो सर एबीसी एनालिसिस थोड़ी बहुत आप बताओगे क्या? बिल्कुल बताएंगे साहब, बाकी तो मैं क्लास में डिस्कस करूंगा ही, लेकिन आपको यहाँ पे अगर मैं एबीसी एनालिसिस दूं तो आपका ये जो चैप्टर नंबर 3 है शेयर कैपिटल, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब 60 में से अगर मैं 10 मार्क्स दे दूं तो मैं अकेले ही चैप्टर को 10 मार्क्स दे दूंगा, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको ए नाम दे दूंगा, ये हो गया मेरा ए। डिवेंचर अकाउंटिंग ए, समझ में आ रही बात? डिवेंचर अकाउंटिंग ए। सर सी ए किसको दोगे? तो ये सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है, अब ये क्यों कि मैं अगर बोलूं, अगर जिसके बेसिक्स क्लियर नहीं अकाउंट्स के, जो साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं,
या आर्ट्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है ट्वेल्थ कॉमर्स करने के बावजूद भी, है ना, तो उन लोगों को तो ये फर्स्ट टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपके बेसिक्स बहुत हद तक क्लियर है तो आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप इसको क्या दे सकते हो, सी दे सकते हो। समझ में आई बात, ये बात होगी। उसके बाद अगर मैं आपको पार्ट बी के अंदर बताऊं तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक दिए हुए हैं ये सी टॉपिक से, कॉस्ट ऑडिट के बारे में थ्योरी टॉपिक दो पेज का टॉपिक रहता है, दो तीन पेज का, ये सी टॉपिक हो गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग, है ना, दीज आर सी के टॉपिक। सी मतलब बेसिकली इसमें से पेपर में काफी कम आएगा और एक्चुअली में ये है भी बहुत कम, मतलब अगर बेसिकली बोला जाए तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं, थोड़ी वो दो तीन पेज की क्या दी हुई है, थ्योरी दी हुई है थ्योरी टॉपिक से। समझ में आई बात। और ये आपका जो शेयर बेस्ड पेमेंट है ये सी टॉपिक्स है, यानी अगर आपको इन टॉपिक्स में से कुछ समझ में नहीं भी आ रहा है, ध्यान से देख लो, सी टॉपिक्स मैंने बताया, इन टॉपिक्स में से आपको समझ में कुछ नहीं भी आ रहा है तो आप इसको क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो चाहो तो। समझ में आई बात। लेकिन मैं बोलता हूँ छोड़ो मत, आखिरी में पढ़ो, लेकिन एक चीज अच्छे से याद रखना, जो सी टॉपिक्स है उसको क्या करो, सबसे पहले आप बहुत अच्छे से एकदम स्मार्टली ए टॉपिक्स को प्रिपेयर करो, फिर बी को करो, सी को करो, लेकिन लास्ट में करो, छोड़ो मत। मतलब मेरा बोलना यह है कि ऊपर ऊपर से पढ़ लो, मान लो वो पूरे सी टॉपिक्स मिला के, सारे सी टॉपिक्स मिला के 5 नंबर का पेपर में आ गया, तो एटलीस्ट आप उसमें से 3 तो स्कोर कर पाओ, 2 स्कोर कर पाओ, जो मिल जाए वही बहुत, लेकिन उसको आखिरी प्रेफरेंस दो पढ़ते समय। समझ मेरी बात, एकदम पहले से उसको प्रेफरेंस देने का नहीं। सर इसमें से और कौन से ए टॉपिक्स है, ये रेशियो एनालिसिस ए टॉपिक में आएगा, ये मैं क्लासेस में बताता हूँ और भी वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा, डिसीजन मेकिंग टूल ए टॉपिक में आएगा, वैल्यूएशन ए है, हाँ ये वैल्यूएशन के अंदर ये जो एक पर्टिकुलर टॉपिक टॉपिक है शेयर बेस्ड पेमेंट वाला, ये सी है, ये क्या है, सी है, इसमें से ज्यादा नंबर का नहीं आता है, क्लियर होगी बात। तो यहां पे एक बात होगी, सर और क्या पॉइंट्स है, सर एक चीज है सर, क्योंकि सर हमारा मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम क्या 100 मार्क्स क्या है सर, एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, तो सर जितने ज्यादा आप क्या सॉल्व करोगे, एमसीक्यू सॉल्व करोगे, मैक्सिमम एमसीक्यू जितने ज्यादा आप सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा, फायदा होगा। सर अब एमसीक्यू सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है, उसके ऊपर बेसिकली मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं हमारे चैनल पे, आप देख सकते हैं कि एमसीक्यू किस तरीके से सॉल्व करें, लेकिन मैं थोड़ा सा और शॉर्ट में आपको बताता हूँ एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका क्या। जब आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ने के बाद जैसे ही आपने चैप्टर की पढ़ाई कर ली, उसके बाद जस्ट चैप्टर खत्म होते ही आप एमसीक्यू सॉल्व करो। ध्यान से सुनना मेरी बात, पहले आपने चैप्टर पढ़ा, क्लासेस देख ली मेरी, चैप्टर पढ़ लिया, वीडियो लेक्चर देख लिया हम लोगों के, उसके बाद आप लोगों ने चैप्टर की स्टडी करी अपने सेल्फ ली, ऐसा नहीं कि वीडियो लेक्चर देखे एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ गए, है ना, ऐसा नहीं हो सकता, इतने एक्सपर्ट कोई नहीं है कि भाई वीडियो लेक्चर देख के सीधा एमसीक्यू सॉल्व करने बैठ गए तो आपको आगे भी नहीं जमेंगे ढंग से, जम भी सकते मेरे लेक्चर अगर देखोगे तो, खैर मजा करो, लेकिन नहीं जमेंगे, आपको सेल्फ स्टडी करना थोड़ा सा जरूरी है। तो आपने क्या कर लिया, पहले लेक्चर देख ली, खुद से पढ़ ली, फिर एमसीक्यू सॉल्व करने बैठे। अब एमसीक्यू जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आप एमसीक्यू किस तरीके, सपोज आपने 100 एमसीक्यू चैप्टर के, तो एक साथ 100 मत करना, फर्स्ट 50 का लॉट सिलेक्ट करना, फर्स्ट 20 का करना, आपको जितना कंफर्टेबल है, और उसको बिना आंसर्स को चेक करे बार बार खुद से क्या करना, सॉल्व करना, और आखिरी में जब आपके 20 या 50 जो आपने टारगेटेड एमसीक्यूज रखे थे वो खत्म हो जाए, उसके बाद एक साथ आप पीछे क्या चेक करो, आंसर्स, हर एक एमसीक्यू सॉल्व करा फिर पीछे देख रहे, एक एमसीक्यू फिर पीछे देख रहे, नहीं ऐसा उसको क्लियर हो कि मैं एग्जाम में बैठा हूं। और इवन मैं तो बोलूंगा जब एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो उसको बुक में टिक भी मत करो, इस तरीके से एक कागज लेके बैठो, फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का डी, फोर्थ का ए, फिफ्थ का सी, इस तरीके से आप क्या करो, सॉल्व करो, एक टारगेटेड एमसीक्यूज आपके हो गए, उसके बाद आपको क्या करना है, उसको क्या करना है, चेक करना है, बीच में रुकना नहीं आ रहा छोड़ दो आगे बढ़ो, 50 एमसीक्यू डिसाइडेड है, खुद को टेस्ट करो ना कि मैंने पढ़ाई की, मैंने समझा, मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, तो मेरे 50 में से कितने एमसीक्यू सॉल्व हो पा रहे, फर्स्ट में अगर आपके 30 एमसीक्यू सॉल्व हो रहे, 20 नहीं हो रहे, तो आप देखो कि 20 क्यों नहीं हुए, कहां कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से आपने चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, अब आपको मालूम पड़ गया कि कौन सा एमसीक्यू आपको नहीं जम रहे या हर कौन से एमसीक्यू में क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद फिर से एक बार आप लोग, अगर आपको चाहिए तो फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो देखो, और नहीं तो एक बार वही टॉपिक जहां जहां आपको दिक्कत आई है, जो जो टॉपिक्स के अपने एमसीक्यू, उस चैप्टर के कुछ कुछ टॉपिक्स है जिसके एमसीक्यू आपके गलत हुए, पर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो टॉपिक को आप वापस से क्या करो, स्टडी करो, कर लिए एक बार और, डबल बोल रहा हूं मैं, एक बार और उसको रिवाइज कर लिए, स्टडी कर लिए, और फिर से वो एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करो, अब जम रहे ओके, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया। पहले मैंने वीडियो लेक्चर देखे, सेल्फ स्टडी करी, फिर एमसीक्यू सॉल्व करा, वीडियो लेक्चर देखे,
स्टडी सेल्फ स्टडी करी, एमसीक्यू सॉल्व करा, फिर वापस से मैं गया, जो जो गलती है जो जो दिक्कत है उसको वापस से जाके देखा कौन से टॉपिक में क्या दिक्कत है, उसको वापस से या तो देख लो कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वीडियो, और कंसेप्ट क्लियर है कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम है तो उसको बुक से पढ़ के क्या कर लो, खत्म कर लो, और फिर से वही एमसीक्यू जाके चेक करो कि आपको जम रहे हैं या नहीं। तो इस तरीके से आपका एक चैप्टर प्रिपेयर हो गया, सेम एज इट इज हर चैप्टर को आपको क्या करना है प्रिपेयर। यानी ये जो एडवाइस है ये आपके चाहे टेक्स की बात हो, चाहे आपके FM की बात हो, चाहे आपके CMA की बात हो, इन तीनों में आपको ये चीज क्या करनी है, अपनानी है। और जितने ज्यादा MCQ सॉल्व करोगे ना उतना अच्छा है, समझी बात, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। डाउट्स रहते हैं तो मैं तो यार दिन भर बच्चों के डाउट सॉल्व करता हूँ व्हाट्सएप पे, है ना, कॉल्स पे, व्हाट्सएप पे उनके डाउट्स में हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। आप लेक्चर लेंगे तो पता चलेगा आपको, जो बच्चे लेते हैं मेरे स्टूडेंट्स उनको पता है, थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिकल। साफ बच्चा पूछता है कि सर मेरे को एक चीज बताओ, ये सब्जेक्ट जो है थ्योरी है कि प्रैक्टिकल है? सर दोनों है। सर ऐसे देखा जाए कायदे से तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन पेपर में इसकी थ्योरी भी पूछी जा रही है, और मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसा रहेगा, ध्यान से सुनना। सब मैंने आपको क्या बोला थोड़ी देर पहले कि ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर तीन सब्जेक्ट आ गए, और बेसिकली इसको मैंने तीन में से फिर दो सब्जेक्ट में बांटा, एक हो गया कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और एक हो गया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो कि 40 नंबर का है। तो अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बेसिकली आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस यहाँ से ज्यादा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, है ना। तो यहाँ से मतलब ये जो बी पार्ट है आपका, पार्ट टू है, वहां से आने के चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट के पास ऑलरेडी उस टॉपिक्स के क्या है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एमसीक्यूज अवेलेबल है, उस टॉपिक के उसके क्या है प्रैक्टिकल एमसीक्यूज क्या है अवेलेबल है। तो उस टॉपिक के क्या उसके प्रैक्टिकल एमसीक्यूज इंस्टीट्यूट के पास क्या है अवेलेबल है। आई बात समझ में? तो अगर इंस्टीट्यूट का उसके एमसीक्यूज अवेलेबल है तो इंस्टीट्यूट उसमें से ज्यादा क्या देगा, प्रैक्टिकल एमसीक्यूज देगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात करूं तो उसको एमसीक्यूज उसके लिए क्या करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे, उसके बाद अभी उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिकल अवेलेबल नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी अभी स्टार्टिंग्स में क्या आएगा ज्यादा आएगा, और प्रैक्टिकल यहाँ पे क्या आएगा थोड़ा सा कम, और यहाँ पे प्रैक्टिकल थोड़ा ज्यादा रहेगा, थ्योरी थोड़ी सी क्या रहेंगी कम रहेंगी, है ना। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इसलिए आपको ये पार्ट टू वाला जो है उसके अंदर प्रैक्टिकल भी जो आएंगे वो कहाँ से आ सकते हैं, रेशियो एनालिसिस से, डिसीजन मेकिंग टूल से, बजट चैप्टर से, है ना, वैल्यूएशन से, इन टॉपिक से यहाँ पे क्या आ सकते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। और अगर मैं बात करूं आपकी ओवरऑल प्रैक्टिकल और थ्योरी की, तो मेरे हिसाब से अभी जो वेटेज चल रहा है वो चल रहा है 65-35 का, थ्योरी 30-65 और प्रैक्टिकल 35, लेकिन ओवर द पीरियड ये धीरे 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 मेरे हिसाब से 50-50 होने के पूरे पूरे चांसेस है। इसलिए प्रैक्टिकल पे थोड़ा सा ज्यादा जोर रखो, थ्योरी पे रखो साथ साथ में, थ्योरी कब आपकी अच्छी होगी जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्या रहेंगे क्लियर रहेंगे, लेकिन अभी जो पेपर पैटर्न्स मैंने देखे हैं वो पेपर पैटर्न्स के हिसाब से 65-35 का वेटेज चल रहा है, 35 मार्क्स के प्रैक्टिकल सारे, 65 मार्क्स की क्या रही थ्योरी, लेकिन धीरे 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 हो सकता है आने वाली एग्जाम्स में इंस्टीट्यूट इसको 50-50 का क्या कर दे वेटेज कर दे। समझ में आई बात? तो ये बात है, मिक्स ऑफ है सर थ्योरी और प्रैक्टिकल। सर मल्टीपल रिविजन्स, ये पॉइंट एक और इंपॉर्टेंट है कि आपको, अब ये जनरल पॉइंट डिस्कस करो कि सर अब ये जो CMA सब्जेक्ट आप बात कर रहे हो ये सर एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, साहब कम से कम तीन बार रिवीजन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? कम से कम थ्री टाइम्स आपको इसकी क्या करनी पड़ेगी, रिवीजन करनी पड़ेगी। सर थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स क्या करेंगे आप रिवीजन, इतनी ज्यादा रिवीजन? सर यस बिल्कुल। सर कैसे करेंगे? बिल्कुल प्लान बनाओ, हमारे चैनल पर ऑलरेडी इसके लिए वीडियोस अपलोडेड है कि आप किस तरीके से तीन टाइम्स क्या कर सकते हो रिवीजन। अब मैं शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ कि फर्स्ट टाइम हमको एकदम ऐसा पढ़ना है यार, बस मतलब पूरा एक एक पॉइंट डिटेल में, और फर्स्ट टाइम जो आप पढ़ रहे हो उसमें ऐसे पॉइंट्स निकाल के रखो कि आपको सेकेंड टाइम पढ़ते समय वो चीजें क्या है काम आए, फिर सेकेंड टाइम आपको वो पढ़ना है जो आपने फर्स्ट टाइम में आपको जिस पॉइंट्स में ज्यादा दिक्कतें गई हो, और जहां पे कम दिक्कतें गई हो उसको आप रिवाइज करो, ऊपर ऊपर से रिवाइज करो और छोड़ते चलो। थर्ड में आपको सेम वही तरीका अपनाना है, लेकिन बार बार उसको रिवाइज करना जरूरी है। सब एक बार पढ़ के आप पेपर देने चले जाओ ऐसा नहीं हो सकता। ये सबसे मतलब गंदा पॉइंट है और घटिया पॉइंट मैं बोलूंगा कि बच्चा क्या करता है, मेरे को बहुत गुस्सा आती है पॉइंट पे, यार सर बोले बच्चा क्या करता है ना, एक बार पढ़ा पेपर देने चले गया और बोलता है यार इंस्टीट्यूट ने पेपर बहुत हार्ड निकाला था। मैं गारंटी देता हूँ यार आपको, मेरी बात मानो, इंस्टीट्यूट पेपर हार्ड कभी नहीं निकालता है, पेपर हमेशा इजी आते हैं, बस हमारे अप्रोचेस की बात रहती है। अगर मैं बोलूं तो 90 या 80 मार्क्स का पेपर तो बहुत इजी आता है, यानी इजी आता है, इजी और मीडियम आता है, और 20 और 10 मार्क्स का पेपर थोड़ा सा ट्रिकी आता है, दैट्स इट, उसके ऊपर नहीं। और बच्चा उस 10 मार्क्स के पीछे ही रोते रहता है, भाई 80 तो अच्छे से कर ले,
तो ये बातें होगी, तो रिविजन बहुत जरूरी है. अच्छा, ट्राई टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इवन दो द सब्जेक्ट इज एमसीक्यू बेस्ड. सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, एमसीक्यू बेस्ड है फिर प्रैक्टिकल? देख भाई, अब जब तू प्रैक्टिकल क्वेश्चन खुद, मैं ये नहीं बोल रहा कि 10-10, 20-20 प्रैक्टिकल सॉल्व कर, एक 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 प्रैक्टिकल खुद से सॉल्व करके देख. जब तू देखेगा खुद सॉल्व करके भाई वो प्रॉब्लम, तो ऑटोमेटिकली आपके क्या क्लियर होते जाएंगे, सॉरी, ऑटोमेटिकली आपके क्या क्लियर होते जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे. अगर आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करके देखोगे और ये सोचोगे कि मैं एमसीक्यू कर लेता हूं, तो आपको एमसीक्यू में काफी क्या जाएंगी दिक्कत. तो थोड़े से मैं ये खुद क्लास में भी अपने रिवीजन लेक्चर्स में भी अपने नॉर्मल लेक्चर्स में भी प्रैक्टिकल सॉल्व करके देता हूँ और सॉल्व करवाता भी हूँ बच्चों से. उसका फायदा ये होता है कि अगर एक बार प्रैक्टिकल सॉल्व करने में आपकी पकड़ बन गई ना, तो किसी भी टाइप का एमसीक्यू दे, कितना भी घुमा के वो एमसीक्यू दे, वो एमसीक्यू आप क्या कर सकते हैं सॉल्व. यानी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के अंदर अगर मैं देखूँ तो ऐसे इतने 10 MCQs के मुकाबले एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होता है. यानी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में से 10 MCQ क्या हो सकते हैं, 5 से 10 MCQ बन सकते हैं. तो एक बार आपने उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे पकड़ बना ली सॉल्व करने में, तो आपको एमसीक्यू फास्टली सॉल्व करने में काफी क्या मिलेंगी, मदद मिलेंगी और कंसेप्ट सबके क्लियर रहेंगे. आप भाई साहब अगर चाहते हो कि मेरे को 80 लाना है, मेरे को मिले 80, तो भाई साहब आपको आपकी लैंग्वेज में क्या बनाने पड़ेंगे, योर ओन लैंग्वेज में क्या बनाने पड़ेंगे, नोट्स. सर लैंग्वेज बोल रहे हैं, हाँ सर क्या होता है ना, हम इंग्लिश के पीछे तो अच्छा रोना गाना रहता है सर. हम थ्योरी अगर है हमको नहीं समझ में आ रही ज्यादा इंग्लिश वहां पे डिटेल में, मैं तो बोल रहा हूँ बहुत अच्छे हो, एक्सपर्ट हो इंग्लिश में, लेकिन स्टिल आपने वो थ्योरी के सामने अपने लैंग्वेज में लिख के रख दिया कि थ्योरी क्या बोलना चाह रही है, किस पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है, तो आपको बाद में रिविजन में क्या होंगी काफी हेल्प मिलेंगी. चार्ट्स बनाओ अपने लैंग्वेज में, नहीं तो अपने नॉर्मल लैंग्वेज में चार्ट्स बना के रखो, उसको स्टडी करो. ये सारी चीजें मैं तो प्रोवाइड करता ही हूँ, लेकिन फिर भी लॉजिक्स एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज मस्ट. भाई रट्टा नहीं मारना है हमको, एक 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 चीज का क्या पढ़ना है, डिटेल्ड में लॉजिक्स पढ़ने हैं. जितने ज्यादा लॉजिक्स आपके क्लियर रहेंगे, उतना ज्यादा आपको क्या आएगा, मजा आएगा सब्जेक्ट पढ़ने में. इसको ये मत समझ के पढ़ो कि हमारे काम नहीं आने वाला है. मैं बोल रहा हूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग और चाहे आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, ये बहुत हद तक आगे चल के आपको क्या होगा, सीएस बनने के बाद काम आएगा. कंपनी लॉ तो काम आता ही है, टैक्स तो आता ही है, लेकिन इसके साथ ये सब्जेक्ट लिटरली काम आता है. और मैं बताऊं, अगर आपने इसमें कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर कर लिए ना, और आपने ये सब्जेक्ट में एट्स में और एफएसएम में 80-80 ला ली है, तो वो जो बाकी के दो थ्योरी सब्जेक्ट्स है आपके, जिसमें अगर आपको हार्ड भी लगते हैं, आपके एसएलसीएम और ईबीसीएल अगर आपको हार्ड लगते हैं, तो आपको एग्रीगेट की टेंशन क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी. और सर हम ये ला सकते हैं क्या, भाई मेरे पे विश्वास रखो, मैं गारंटी देता हूँ बच्चे लाते हैं यार. मतलब लिटरली मेरी जो पास बैचेस के बच्चे हैं, लिटरली वो लोगों के मार्क्स आए हैं इतने, तभी मैं बोल रहा हूँ ना इतने डंक की चोट पे, कि उन लोगों ने 70-80-85 तक क्या किए, सब्जेक्ट्स में स्कोर किए हैं. समझ में आ रही बात? तो बस थोड़ा सा अप्रोच की क्या रहती है बात. ये यहाँ पे मैं अपने वीडियो को क्या करता हूँ, खत्म करता हूँ. ये बातें आपकी यहाँ पे क्लियर हुई कि हमको स्मार्ट स्टडी करना है, एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है, प्रैक्टिकल सॉल्व करके देखना है, थ्योरी और प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल पे जोर दो अच्छा खासा, तो थ्योरी ऑटोमेटिकली क्लियर होती जाएंगी, है ना. ये बात हो गई. मल्टीपल रिविजन, अपने नोट्स बनाओ अपने लैंग्वेज में, ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे करे. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी, तो लाइक कर दो यार, कमेंट करके बताओ कैसी लगी. थैंक यू सो मच गाइस, बाय.